मेरा आपसे सवाल यही है कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा आती कहां से है? हमें पता है कि आप योगा करते हैं, लेकिन आप हमें यह बताएं कि यह ऊर्जा हम भी अपने लाइफ में यूज करके देश हित के लिए आगे हम यूज करके अपने देश हित के लिए काम कर सकें, आपकी यह ऊर्जा से। इसके कई जवाब हो सकते हैं। एक तो जवाब अगर मुझे हंसी खुशी की शाम के रूप में देना है तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं पिछले 2 दशक से, करीब करीब 20 साल से, डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। लेकिन सीधी सीधी बात मैं बताता हूं सर। एक पुरानी शायद घटना आपने सुनी होगी कि कोई तीर्थ स्थान था एक पर्वतमाला पर, और तराई के अंदर कोई संत महात्मा बैठे थे, और एक 8 साल की बच्ची अपने 3 साल के उम्र के भाई को उठा करके उस पहाड़ी पर चढ़ रही थी। तो संत ने उसको पूछा, अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, ये तो मेरा भाई है। तो संत ने दोबारा पूछा, अरे तुझे, मैं तुम्हारा कौन रिश्तेदार है नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुझे पूछ रहा हूं तुझे थकान नहीं लग रही है इसको उठा के चल रही हो? तो उस बच्चे ने दोबारा जवाब दिया, वो तुम्हारा भाई है। तो संत ने तीसरी बार पूछा, अरे मैं तुझे नहीं पूछा हूं तेरा रिश्तेदार कौन है, मैं पूछ रहा हूं अरे तुझे थकान नहीं लग रही है क्या? तीसरी बार उस बच्चे ने कहा, बाबजी ये मेरा भाई है, भाई का थकान नहीं लगता। मेरे लिए 125 करोड़ देशवासी, ये मेरा परिवार है। जिस पल आप अपने जीवन में देख लीजिए, जहां पर आप अपनापन अनुभव करते होंगे, कितने ही थक करके आए होंगे, सोने का मन करता होगा, शरीर साथ नहीं देता होगा, लेकिन टेलीफोन आ जाए कि आपके भतीजे को कुछ हुआ है, अस्पताल है, सारी थकान मिट जाती है, स्कूटर लेकर के आप भागते हैं, रात भर उसकी सेवा में लगे रहते हैं। क्यों? आपका अपना है, थकान मिट जाती है, आप स्वयं जुट जाते हैं। मेरी जिंदगी भी हर पल, शरीर तो शरीर का धर्म करता ही है, लेकिन उसी पल मुझे ध्यान में कोई अपना, कोई अपनों के लिए, कभी त्रिपुरा से कोई खबर, कभी केरल से कोई खबर, कभी दिल्ली से कोई खबर, तो फिर मन करता, अरे उठो यार चलो दौड़ो। तो सबसे बड़ी बात है मन की अवस्था। दूसरी बात है कि हमें भी, क्योंकि मैं चाहूंगा मेरी जिंदगी ऐसी है कि आज तो प्रधानमंत्री हूं तो कोई चाय भी ले आएगा, पानी भी ले आएगा, लेकिन मुझे मालूम है उसके बाद क्या होगा। और इसलिए मैं नहीं चाहता हूं मैं कभी भी किसी पर बोझ बनूं, ये मेरे मन का इच्छा है और परमात्मा मेरी सहायता करें। ऐसे ही हंसते खेलते बातें करते चला जाऊं किसी दिन।
जिंदगी में किसी पर बोझ न बनूं, और इसलिए शरीर को जितना फिट रख सकता हूं, शरीर से जितना काम ले सकता हूं, जितने नियमों का पालन कर सकता हूं, जितना भी मैं सीख पाया हूं उसको मैं जीने का प्रयास करता हूं। और मैं सभी नौजवानों से कहना चाहूंगा कि विरासत में बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन अपने आप को फिट रखना या अपने माँ बाप की विरासत के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते, वो आपको अपने आप करना पड़ता है जी। वो विरासत में आपको ऊंचाई दे सकते हैं, विरासत में चमड़ी का कलर दे सकते हैं, विरासत में बढ़िया आंखें दे सकते हैं, नाक नक्शे दे सकते हैं, लेकिन भीतर की तबीयत तो आपको संभालनी ही होती है। और मेरा अनुभव कहता है कि एक डिटैचमेंट जो होता है वो अपने आप एक बहुत बड़ी ताकत होता है, और दूसरा नियमों से जिंदगी जीने से आप जिस काम के लिए निकले हो उस काम के लिए अपने आप को योग्य बना सकते हो। हमने जहां है वहां किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए, हो सके उतना हमने जीवन ऐसा जीना चाहिए कि कभी किसी पर बोझ न बने। और ये फिटनेस मंत्र तो आपने दे ही दिया कि फिटनेस विरासत में नहीं मिलती। हाँ ये तो आपने यूज खुद ही करनी पड़ती है।